अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं जी पहाड़ पे अपने गाय को लेने। वो उसको वहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है तो हम उसको लेने जा रहे हैं। वहाँ पे जंगल है तो फिर हम उधर जाएंगे और उधर से हम गाय को लेके आएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अभी मैं अभी सामान पैक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटी है और ये खाने के लिए बर्तन है, चाय है, और ये चाय की चाय गर्म करने के लिए बर्तन है। ये पावर बैंक भी है और ये देख सकते हैं ये हमारे पास स्पीकर हमारे साथ होते हैं और ये बैग है, हम इसको इसके अंदर डालेंगे और हम इसको लेके जाएंगे। कहते हैं फुल पैकिंग हो चुकी है, अब हम इसको बंद करेंगे और हम इसको लेके जाएंगे। देख सकते हैं मैंने बैग उठा लिया है और ये स्पीकर मेरे साथ जाएगा। चलो चलते हैं। अभी हमने बहुत दूर जाना है, तकरीबन 2-3 घंटे का सफ़र है। हमने उधर जाके गाय को लेके आना है। मेरे पापा पहले गए हुए हैं, मेरा पापा और भाई पहले गए थे, अभी मैं जा रहा हूँ। मैं उनके बाद तकरीबन हम वो रास्ते में मिलेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, घर से तकरीबन इधर तक 40 मिनट का रास्ता है। मेरा घर तकरीबन इधर, हमारा घर है, इधर से यहाँ तक आने का 40 मिनट लगा है। इस तरफ हमारा गांव है और इधर से होता हुआ यहाँ से एक और गांव है। ये तो बहुत बड़ा है, ये देख सकते हैं, ये गोल है, गोल है, देख सकते हैं कितना बड़ा है जी। और ये यहाँ से रोड भी जा रहा है और ये देख सकते हैं दरिया सीन भी है, उधर दरिया सीन इधर से आ रहा है। और ये देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ है, इसलिए इसको गोल कहते हैं। और बीच में हम, आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ है। अभी हम और ऊपर जाएंगे, तकरीबन 2-2.5 घंटे का अभी और सफ़र है। इसके बाद हम अपने पापा से मिलेंगे, अपने नई गाय का जो बच्चा है हम उनसे भी मिलेंगे। चलो चलते हैं फिर। गाइस बड़ी मुश्किल से हम थोड़ा ऊपर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं।
देख सकते हैं यह देसी चाय है, नमकीन चाय। पहले हम इसको इसके अंदर डालेंगे। ये देख सकते हैं ये हो गया जी। अब हम इसके ऊपर आग जलाएंगे। आग जलाने के लिए हमारे पास माचिस है, माचिस का इस्तेमाल करना है। देख सकते हैं माचिस, ये देख सकते हैं गैस आग जल चुका है। और ये देख सकते हैं धुआं, और ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से आग लगी है। क्या बात है जी, गैस से भी अच्छा आग। लेकिन यहाँ पे बारिश का बहुत ज़्यादा मसला है, बारिश आने वाला हो गया है। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये पहाड़ को। और मेरे पापा पता नहीं किधर गए, चले गए, अभी तक आया नहीं। अभी इधर थे लेकिन पता नहीं किधर चले, नज़र ही नहीं आ रहा। और बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अभी हम इधर से ऊपर नहीं जाएंगे, उनके लिए हम खाना तैयार करके रखेंगे। चाय सर्दियों में गर्म गर्म चाय पीना, पीने का तो अलग ही मज़ा है जी। गाइस मेरे पापा आ चुके हैं, मेरे पापा उधर खाना खा रहा है। अभी थोड़ा बारिश हो रहा था तो फिर वो उधर बैठे हुए हैं। अभी मैं अपने गाय के पास जा रहा हूँ, वो अभी उसको नीचे छोड़ दिया है। अभी वो अपने घर की तरफ जा रहा है, उसको रास्ता मालूम है। लेकिन एक मसला ये हुआ कि मैंने कहा था कि उसको बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ। कह रहे हैं कि अभी दो तीन दिन बाद बच्चा पैदा हो जाएगा। मैं आपको अपना गाय दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत है। आप इधर देख सकते हैं हमारे गायों को, ये इधर बैठा हुआ है। अभी ये थोड़ा गोबर लगाने वाला है और ये लगा दिया। वो देख सकते हैं जी, जब ये छोटा था तो फिर इसकी माँ गुजर गई थी तकरीबन एक हफ्ते के बाद। तो फिर मैंने इसको फीडर में लगा के पानी, फीडर में मैंने उसको दूध दिया था। और ये बड़ा हो चुका है देख सकते हैं। और मैं अब इसको थोड़ा सा खाना दूंगा, देख सकते हैं रोटी है, हम इसको थोड़ा सा रोटी देंगे। और ये देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं जी खा लिया इसने, आया तक बड़ा अच्छा वाला है। ये देख सकते हैं, कह रहा कि और दे दो। मैं सब्र कर यार, सब्र कर, ये भी खा लिया इसने। ये देख सकते हैं जी, ये देख सकते हैं, अभी तकरीबन एक हफ्ते के बाद इसका बच्चा पैदा हो जाएगा। ये मेरा हाथ